हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास से पढ़ेंगे क्लास सिक्स से अपादान कारक। ये पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक, जो कि आपने हिंदी में अभी तक हम कारक पढ़ रहे हैं। तो ये अपादान कारक, अपादान का मतलब होता है कि किसी से अलग होने के लिए इसका प्रयोग होता है। मतलब से, जैसे से पेड़ से पत्ता गिरता है हिंदी में पढ़ा, तो उसी तरह से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक के उदाहरण होते हैं वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आकाशात जल वर्षति, आकाश से जल बरसता है। पर्वतात नदी बहती, पर्वत से नदी बहती है। अहम गृहात बहिः गच्छामि, मैं घर से बाहर जाता हूँ। त्वं विद्यालयात आगच्छसि, तुम विद्यालय से आते हो। छात्रा अध्यापिकाभ्य पठंती, छात्राओं को अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। तो इस तरह से या छात्रा अध्यापिका से पढ़ती हैं, तो से पढ़ती हैं, जोड़ना और अलग होना। अलग होते हैं उसे पंचमी विभक्ति होती है। तो जैसे बालक वानरेभ्य भीत अस्ति, बालक बच्चा वानरेभ्य बंदर से भीत डरा हुआ अस्ति है, डरा हुआ है या डरा है। ज्ञानात बिना सुखम न भवति, ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता है या नहीं होता है। तो इस तरह से देखा कि ज्ञान के बिना बिना या सुख न भवति, तो बिना बिना मतलब अलग हो गया कि सुख और ज्ञान अलग अलग हैं। अगर ज्ञान है तभी सुख है और नहीं है तो नहीं है। इस तरह से अलग होने के भाव को दिखाया गया है। तो आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। धन्यवाद।